नमस्कार ललितपुर लाइव टीवी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को बताते चले कि ललितपुर जिले के महरौनी क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सिंधवाहा में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा संचालित नमामि गंगे एवं स्वच्छता मिशन के तहत मसौरा सिंधवाहा ग्राम समूह पाइप पेयजल योजना का भूमि पूजन भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष जगदीश सिंह लोधी एवं मंत्री प्रतिनिधि चंद्रशेखर पंत उर्फ चंदू भैया के द्वारा किया गया। इस अवसर पर कार्यदायी संस्था जेएमसी प्रोजेक्ट लिमिटेड द्वारा ग्रामीणों को इस योजना के बारे में विस्तार से बताया एवं समझाया गया। देखिए विस्तृत रिपोर्ट ललितपुर लाइव टीवी के बलराम सिंह राजपूत की रिपोर्ट। 535 करोड़ के लगभग ये चार परियोजनाओं का आज शिलान्यास किया जा रहा है। सिंधवाहा, मशौरा, शहदपुर, गोना नाराहट, कुमड़ावरा, शहदपुर और लागवन, ये चार परियोजनाओं का आज शुभारंभ किया जा रहा है। इनसे लगभग 197 गांव को पेयजल मिलेगा, क्योंकि सरकार जो योजना लाती है, सरकार की मंशा हर घर में पानी देने की है। लेकिन जो भी हमारी योजनाएं हैं, ये योजनाएं हमारी चलते चलते रेंगते रेंगते हमारा लक्ष्य 2 साल का है कि जब हम आगामी चुनाव में हम वोट मांगने जाएंगे, हम आगामी विधानसभा में वोट मांगने जाएंगे, तो हमारा लक्ष्य है कि हम गर्व से कहेंगे कि हमने तुमको घर घर में नल की व्यवस्था की है। हम इस लक्ष्य को कैसे प्राप्त करें, ये हमारे कार्यकर्ताओं की अहम जिम्मेवारी है। क्योंकि जो अतीत रहा है, हमारी पेयजल योजनाओं का जो अतीत रहा है वो ठीक नहीं रहा है। जो भी परियोजनाएं हमें अभी देखने को मिलती है वो अभी तक सफेद हाथी की तरह खड़ी दिखाई देती है। सरकार की मंशा बहुत अच्छी होती है, लेकिन जो संबंधित कार्यदायी एजेंसी है उनमें हम सब भी सम्मिलित होकर, क्योंकि पैसा हमारा लगना है योजना में, सरकार हमारी है, सरकार को गरीब किसान, गरीब मजदूर, व्यापारी, उद्योगपति सब लोग पैसा देते हैं, उस पैसे से ही परियोजना का निर्माण किया जाता है। तो ये मत समझना कि ये पैसा हमारा नहीं है। जो भी पैसे का दुरुपयोग होगा वो हमारे पैसे का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हमारे पैसे का दुरुपयोग होगा। मैं कार्यदायी संस्थाओं से भी अनुरोध करूंगा, उस साथ में हिदायत भी दूंगा, कहीं भी आप लोगों ने गुणवत्ता से समझौता किया तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। यहाँ नहीं सुनी जाएगी, आप जितने भी अप्रोच वाले क्यों ना हो, चाहे आप किसी सांसद के विधायक रिश्तेदार हो, चाहे मंत्री के विधायक रिश्तेदार हो, ललितपुर जनपद का भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता गुणवत्ता से समझौता नहीं होने देगा। ये मेरी उनसे हिदायत भी है और अनुरोध भी है, और अच्छे काम के लिए कार्यदायी संस्था का स्वागत भी करेंगे, उनका अभिनंदन भी करेंगे। अच्छे काम के लिए हम आपका अभिनंदन करेंगे, यदि आपने अच्छा काम नहीं किया तो उसके लिए हम लोग आपके खिलाफ कार्रवाई से भी नहीं चूकेंगे। पाइप के द्वारा घर घर पानी पहुंचाने की ये महत्वाकांक्षी योजना के शुभारंभ के अवसर पर सिंधवाहा मसौरा प्रोजेक्ट के इस शुभारंभ कार्यक्रम के शुभारंभ के अवसर पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष भाई जगदीश सिंह लोधी एडवोकेट साहब, हमारे बीच में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री बप्पू राजा बुंदेला जी, हमारे बीच में उपस्थित इस महरौनी मंडल के मंडल अध्यक्ष भाई आशुतोष शंकर जी, क्योंकि अंडरग्राउंड वाटर हमारे यहाँ लेवल कम है, सरफेस वाटर के माध्यम से हम लोग जितना भी बांधों से, नदियों से, जलाशयों से मिलता है उसको उपयोग करते थे, लेकिन
बुंदेलखंड को 2019 के प्रारंभ में, या इन्हें कहना चाहिए कि 18 के एंड में, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने 9000 करोड़ की पेयजल योजना बुंदेलखंड को दी थी और उसकी प्रथम शुरुआत आज हमारे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा झांसी जनपद के चिरगांव के ग्राम मराठा में शुभारंभ किया गया। और उसी के तहत हमने अपने जनपद के हमारी विधानसभा में लागौन ग्राम पेयजल समूह योजना का यहाँ शुभारंभ किया है। और इस पेयजल योजना से प्रारंभ होने से लगभग 51 गाँव के लोगों को पीने का पानी, स्वच्छ पानी उपलब्ध हो जाएगा। इसी तरह अन्य योजनाएं भी हमारे जनपद को पानी की ये लागू हैं और उनके टेंडर निश्चित ही जल्दी से होने वाले हैं और पूरे जनपद को बुंदेलखंड पाइप पेयजल योजना के माध्यम से हमारे प्रत्येक ग्राम में पेयजल योजना लाभान्वित कराने वाली है। इससे हमारा ग्रामवासी अस्वस्थ नहीं होगा, बीमार नहीं होगा और उसको पीने का पानी स्वच्छ मिल जाएगा। इस योजना के प्रारंभ होने से निश्चित रूप से बुंदेलखंड में एक विकास की जो गति मिली है, मैं निश्चित रूप से अपने देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को धन्यवाद देता हूँ, उनका आभार व्यक्त करता हूँ। और निश्चित रूप से इस आशा के साथ कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में जो भी विकास के कार्य हैं, जब जब मैंने उनके सामने रखे, उनको पूरा करने का उन्होंने प्रयास किया है और मेरे संकल्प योजनाएँ पूरी होती हैं।